नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुर चतुर्वेदी। पेश है अब तक की प्रमुख खबरें, लेकिन पहले खबरें कोलकाता से जुड़ी। शिलांग में अपनी पहली सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। ममता ने कहा कि केंद्र मेघालय व पूर्वोत्तर राज्यों की अनदेखी करते आ रहा है, जबकि केंद्र को चाहिए कि यहां के राज्यों को भी वही अधिकार दे जो बाकी राज्यों को दिया जाता है। आई एम टेलिंग यू, बीजेपी समटाइम्स से इट इज असम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, डबल इंजन, इट इज गुजरात मॉडल डेवलपमेंट, बट वी डोंट वांट टू सी दैट दे नेवर सेड द रीजनल पार्टीज, they never said when the people is in danger and people is in distress. We want to say that they were totally failed. Only at the time of election they come, distribute the money and just they send the ETA and CBI so that people should be afraid. They don't have any agenda except the political vendetta to snatch all the right from Meghalaya. भुक्तोई कांड के अभियुक्त लालन शेख की सीबीआई हिरासत में मौत के मुद्दे पर हंगामा काफी बढ़ गया है। घटना के अगले दिन मंगलवार को भुक्तोई में 10 लोगों को जिंदा जलाने के अभियुक्त लालन शेख की आत्महत्या के खिलाफ लालन के परिवार वालों समेत स्थानीय लोगों ने घंटों हाईवे जाम किया। अगले वर्ष 2023 में माध्यमिक की परीक्षा 23 फरवरी से चालू हो रही है। इसे लेकर वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में हेडमास्टर व टीचर इंचार्ज को स्टूडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करना होगा। अब नजर डालते हैं जिलों की खबरों पर। सॉल्टलेक के सेंट्रल पार्क मेला प्रांगण में विधान नगर मेला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि मेले से होने वाले मुनाफे से विधान नगर रविंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन को लेकर जमकर बवाल हुआ। छात्रों के विरोध को देखते हुए कुलपति विद्युत चक्रवर्ती ने अपने आवास से निकलते समय सुरक्षा गार्डों को बुलाया। कुलपति को घेराबंदी से छोड़ने के दौरान सुरक्षा गार्ड और छात्रों में भिड़ंत हो गई। एक नजर देश विदेश से जुड़ी खबरों पर। नीतीश बोले, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का चुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 विधानसभा में सीएम पद के दावेदार नहीं होंगे, उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है। पटना में विधायकों की बैठक में नीतीश ने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मौसम। बुधवार का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस।